काम में देरी और कोताही बर्दाश्त नहीं और इसलिए पथ निर्माण विभाग ने एक बार फिर कड़ी कार्रवाई की है। दरअसल रांची के न्यू विधानसभा भवन विस्थापितों के लिए बन रही कॉलोनी की सड़क का निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया, जिसके बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी को डीबार कर दिया गया है। झारखंड भर में गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए पथ निर्माण विभाग ने विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की। ये बैठक बुधवार को शुरू होकर अगले दो दिनों तक और चलेगी। बैठक के बाद अभियंता प्रमुख ने बताया कि काम में देरी और कोताही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी ये सर्किल वाइज जो है प्रोग्रेस क्या है और क्वालिटी, इसके अलावा और जो कोई प्रॉब्लम है इसके संबंध में सबसे निर्देश जिसका डिले चल रहा था, जैसे अभी और यहाँ का के लिए डीवार के लिए लेटर, और हम तुरंत डीवार का लेटर निकालते हैं। अभी ये हमारा जो आरएनआर रिहेबिलिटेशन वाला चल रहा है कार्य जगन्नाथ मंदिर के सामने, उस रोड के कॉन्ट्रैक्टर को तत्काल प्रभाव से डीवार कर दिए। पहले दिन रांची पथ प्रमंडल में चल रही सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की गई। समय पर तमाम योजनाएं पूरी हो ऐसे निर्देश दिए गए। गुणवत्ता का खास ख्याल रखा जाए यह भी बताया गया। इसी दौरान रांची न्यू विधानसभा के विस्थापितों के लिए बनी बस्ती में सड़क परियोजना का काम समय पर पूरा नहीं किए जाने के आरोप में ठेकेदार को डीबार कर दिया गया। लगभग सभी को, चाहे वो इंजीनियर है, अगर किसी का मान लिया कि कोई वेरिएशन हो गया या कहीं जरूरी है, एकदम आवश्यक है कि उसको डेविएट करना है उसके वर्क को देखते हुए, फील्ड के स्थिति को देखते हुए, और उसको अगर यदि हमारे पास परमिशन के लिए या हमारे पास सूचना लेट से आती है तो उस दोनों पर हम बोले कार्रवाई करेंगे। आगामी 12 सितंबर को प्रधानमंत्री न्यू विधानसभा परिसर का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि एक महीने के अंदर विस्थापितों के लिए बनी कॉलोनी को भी हैंडओवर करना है, मगर ठेकेदार ने अभी तक उस कॉलोनी में अप्रोच रोड का काम पूरा नहीं किया है। कैमरामैन संजय के साथ शहनवाज अख्तर, न्यूज 11 रांची।